बहुत लोग पहले उनके लिए स्कूल का होना जरूरी है। जब अच्छे स्कूल होंगे तभी वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकती है। तो पहले हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका एक अच्छा हम लोग कोशिश करके उनको प्रोवाइड करें अच्छे स्कूल, फिर वो अच्छे कॉलेज जाए और फिर वो यूनिवर्सिटी। मुश्किल हैं पर रोजनी नायडू सेंटर जो है वो खास करके आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ के करीब से जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है कि जाकर के लोगों को समझाते हैं लोगों को कि भाई बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है, कि जब तक बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी तो कल जब वो मदद बनेंगी तो उनके बच्चे भी जा ही जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए तो वो अपने बच्चों को मेक श्योर करेगी कि उनको पढ़ाया उनको भी एजुकेशन मिले, और जब एजुकेशन मिलती है तो सोसाइटी खुद ही डेवलप करने लगती है, उसको नए रास्ते नजर आने लगते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है, सिर्फ सरोजनी नायडू सेंटर के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में ये कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को और इन पर्टिकुलर मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए आगे मौका दिया।